हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आप कहेंगे नहीं, ये नया व्लॉग तो नहीं है, ये तो वही व्लॉग है जो पिछले पुराने 2 दिन से जो व्लॉग में जो चल रहा है वही सूट है। हाँ, ये वही है। तो एक बार में ना लंबा करके मैंने इसको छोटा छोटा डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए और मुझे भी व्यू मिल जाए आपके अच्छे खासे। तो यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, बस चावल चढ़ाने हैं। चावल जो है वो मैंने भिगो कर रखे हुए हैं, बस चावल छौंकती हूँ, खाना बनाने के बाद मिलती हूँ। तो मैंने चावल भी चढ़ा लिए हैं। तो अभी सिमरन गई हुई है अपनी दादी के साथ शुक्कर बाजार सब्जी लेने के लिए, और मुझे सब्जियों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं मंडी से जाकर लेकर आई थी, तो सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। और सुबह खाने में देखती हैं कि क्या बनाना है, पता नहीं, देखते सुबह की सुबह देखते हैं क्या बनाना है। फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं सुबह के लिए, तो हो जाएगा। बस बाकी यहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि रात हो रही है। आज थोड़े से लेट हो गए खाना वाना बनाने में, वो इसलिए लेट हो गए क्योंकि इनको भी टाइम है दुकान से आने में, तो ये जब तक आएंगे दाल बनी हुई है, चावल बने। और इस ब्लॉग के अंदर ना मैंने उस दिन मैंने पौधों वाली वीडियो बनाई थी, तो मैं पूरी आप वीडियो आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना भी ना बहुत लंबी वीडियो हो जाती। मैंने दूसरे पार्ट में इस वाली वीडियो में डाल दी वो सारी चीज़ें। और अगर आपको किसी भी पौधे से कुछ भी रिलेटेड सवाल अगर पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी पौधे के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। सारे पौधों को पानी नहीं मिला, मैंने जैसा कि बताया था आपको, मैं कहीं किसी काम से कल बाहर गई थी तो कल इनको पानी नहीं डल पाया, तो बेचारे सारे पौधे देखना कैसे हो गए मेरे बेचारे बच्चे। इतने ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ, इतनी मुश्किल से, भी थोड़े दिन पहले मैंने शायद आपको दिखाया था अपना गार्डन व्यू, टेरेस गार्डन का व्यू दिखाया था कि पत्ते सारे सूख गए थे, झड़ गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी सी केयर करी और उसके बाद देखो कितनी सारी ग्रीनरी आ गई है हमारे गार्डन के अंदर। बहुत सारी ग्रीनरी आ गई है, बहुत सारे फुटाव, वो देखिए कितने सारे हमारे फूट चुके हैं पौधे, ये देखिए कड़ी पत्ता देखिए, और ये देखिए, ये जब मैंने प्लांट लगाया था ना इस पर तब पिंक कलर के थे, यही पिंक कलर देख के मैंने ये वाला प्लांट लगाया था, बट उसके बाद में लीफ ग्रीन होती गई, ग्रीन के बाद ये इस टाइप की हो गई, लेकिन अब फाइनली 2 साल के बाद इसमें पहली बार ये दूसरा पत्ता आ रहा है इसके अंदर पिंक कलर का, और शायद ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये भी इसी कलर का हो जाएगा, बट लेकिन अभी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो ये हमारे स्पाइडर महाराज को देखिए, हमारे स्पाइडर महाराज का, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं तो आपको हेलो कहने आया था। अच्छा, मुझे हेलो कहने आए थे, अरे वाह, हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो। और हमारे इसके तो क्या ही कहने, वाओ, इसकी तो अलग ही पहचान है, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसके पत्ते की चमक देखिए आप, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर, बिल्कुल एकदम नकली प्लांट की तरह बहुत सुंदर लगता है। आप इसे अपने ज़रूर शामिल कीजिएगा अपने प्लांटों में, बहुत अच्छा है। और मेरे टर्टल वाइन ना हो किसी गमले में, छोटे छोटे बाउलों में भी, सब में मिट्टी का। और इससे एक फ़ायदा भी है आपको, अगर ये आपके किसी भी गमले में है तो आपकी मिट्टी को ना जल्दी से सूखने नहीं देगी। तो जो आपका प्लांट है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप एक बार गमला भर दीजिए पानी से, तो ये जो है ना आपकी मिट्टी को सूखने नहीं देगी गर्मियों में, और आपके पौधे को पानी की कमी नहीं होने देगी। पर भी देखिए यहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता इस वाले में, और उसमें भी देखो कुदरती अपने आप ही कहीं चला गया होगा, कभी थोड़ा बहुत पानी, एक आध बूंद पानी बस हो गया, उसमें भी अपने आप ही देख लो दोबारा से हरी हो गई। फिर ये इसे भी देखिए, ये है चंपा का प्लांट जिसकी एक टहनी थी, एक डंडी थी, मैंने ऊपर से तोड़ दी थी, तो इसकी 2 ब्रांचेस हो चुकी हैं, 2 में से इसके पत्ते चले गए थे, ख़राब हो गए थे, और अब ये देखो इसके नए नए शूट आ रहे हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं, और इस वाली ब्रांचेस पे भी नए नए पत्ते आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। और ये तो मेरे गार्डन का सिर्फ एक ओवरव्यू था। अगर आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से पौधे के बारे में कितनी डिटेल से जानना है, मैं उसको कोशिश करूंगी उतनी ही डिटेल से उस पौधे के बारे में बताने की। और ये देखिए मेरी अंगूर की बेल सूख चुकी थी, मैं सोच रही थी इसे उखाड़ने की, पर नहीं, अभी बीच में कुछ बरसातें हो गई थी तो ये अपने आप से, ये देखो अपने आप से ही फूट फूट के ये दोबारा से हरी हो गई है।
बहुत सुंदर है। और वो देखिए, वो मेरा मनी प्लांट, बहुत सुंदर हो गए हैं पौधे। जी देख लिया आपने प्लांट्स और प्लांट्स की केयरिंग। और अगर प्लांट से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो या कुछ भी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो इस वीडियो को बोर ना करके इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। आपके लिए बाय। This could be good for me.